हेलो वेलकम टू माय चैनल। हो क्या मस्त मस्त और व्यस्त होंगे तो आपके ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आज के ब्लॉग में जस्ट शुरू कर रही और शाम हो गई है क्योंकि आज का पूरा दिन बिजी था क्योंकि जीएल जी घर पे थे और अब वो चले गए हैं। तो अब मैं फिर से फ्री हो गई। जब कोई घर में आता तो आपको उनको टाइम देना पड़ता है, उनके साथ बातें करनी पड़ती है, गॉसिप करनी पड़ती है। तो जस्ट फिलहाल मैं जा रही हूँ अपने बालों के लिए टोनर बनाने क्योंकि आज था फ्राइडे है तो मैं अपने बालों में लगा लूंगी। रात में तो 1 घंटे बाद मैं उसको धुल दूंगी। और एक्चुअली पहले से बाल की कंडीशन फिर से अच्छी हो गई, बीच में बहुत खराब हो गए थे मेरे बाल, बहुत ज्यादा ड्राई रफ टाइप के हो गए थे, अब देख के फिर से सही हो गए। थोड़ी सी आप केयर अपने बालों की करिए, अपने आप ही करिए तो सब चीज मैनेज रहती है। तो अभी बनाऊंगी मैं अपने बालों के लिए एक टॉनिक, क्योंकि बालों में लगा लेते तो बालों की जो हेयर ग्रोथ होती है वो प्रॉपर अच्छे से होने लगती है। और मेरे बाल पहले से काफी बड़े हो गए हैं, देखिए यहाँ तक आने लगे हैं। जैसे जितने पहले थे मैं उतना ही करना चाहती हूँ, भले उससे बड़े ना, लेकिन इस बार मैंने अपना प्लान करके रखा है, सोच के रखा है कि ना कि अपने बालों को मैं कटिंग कराती रहूंगी, जैसे ट्रिमिंग हर 3 महीने पर। तो बाल नीचे वो पतले पतले से हो जाते हैं, वो नहीं होते हैं। और शाम के टाइम हमारे घर के बाहर जो होता है वो बहुत अच्छा लगता है, यहाँ पे सब लोग निकलते हैं, हर तरीके के लोग निकलते हैं, माहौल अच्छा होता है। मुझे अपने घर की छज्जे पे बैठ के देखना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ कि मैं अपने घर में रह के भी बोर क्यों नहीं होती हूँ। का माहौल शाम हो गई है, ऑलमोस्ट पूरे हरदोई शहर का ही रास्ता इधर से जाता है, जो भी निकलता है मेरे रोड से ही निकल के जाता है क्योंकि मार्केट इधर एरिया में है तो मार्केट के लोग इधर से ही जाते हैं। तो आप प्रॉपर रिश्तेदार भी मिल जाते हैं, जाने वाले भी मिल जाते हैं, अगर आप खड़े हो यहाँ पे तो देखने को मिल जाता है, हाय हेलो भी हो जाती है। इस तरीके से हमारा मोहल्ला है। पहले पास में ही देखिए केक शॉप है यहाँ पे, मैं औरत को खिला देती हूँ, वो तो कहना ये फिर खाता नहीं है कुछ, फिर उसको सुला दूँगा टेम्पल ये लो बनाना प्लीज भी। ये खा लिए नमकीन नहीं, पहले बनाना खा लो, बनाना हेल्दी होता है, गुड बॉय है ना। है मामा गोली कौन मारता है तो मम्मा बोली माफी, मम्मा मर जाएगी फिर। हाँ फिर क्या करोगे, मम्मा के बिना रह पाओगे? ठीक है तो फिर मैं ऐसे चली जाती हूँ छोड़ के तुमको। क्यों मुझे बचाओ, मुझे अर्जुन मुझे मार रहा है। अर्जुन अर्जुन ने मुझे गोली मार दी, मैं मर गई। तो अर्जुन अर्जुन मर जाऊंगी, बच्चों के साथ बच्चा बनना पड़ता है। आप लोग भी ऐसे करते होंगे, अगर आप मदर हैं तो, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं आप मदर हैं तो आप भी ऐसे करते होंगे। और अब हर वीडियो में आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज, जो भी कोई नया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को पूरा देखो। कहाँ भागो गाइस से बोलो, मैं भाग रही हूँ गाइस, मैं भाग रही हूँ, जो मुझे परेशान कर रहा है बचाओ, अब यहाँ से बाहर नहीं जा सकती, छज्जा आ गया। बस हो गया, आप नहीं खेलूंगी बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ है ना। अब थोड़ी देर आप बैठ के होमवर्क कंप्लीट करो, इसके बाद खेलेंगे ठीक है। आप अपना वर्क कंप्लीट करो, बनाना खा के मैं अपना क्या बच्चों के साथ खेलना बहुत खतरनाक काम है, और जिन तो दौड़ा दौड़ा के मुझे पागल कर देता है। तो फिलहाल चलो मैं घर के कामों में हो जाती हूँ, सबसे पहले अपना हेयर टॉनिक बना लेती हूँ, बालों में लगा लेती हूँ, फिर जो मैं सारे काम करूँगी तब तक तो उसका भी टाइम पूरा हो जाए। क्यों बेटा बैग? तो बैग लेके नहीं आना, नीचे वर्क कर लो जाके, जाओ मैं बैग लेके आऊँ। चलिए आप बैठो बैट पर, मैं लेके आती हूँ, बनाना फिनिश करो एंड बॉस करो, जा रही हो ना गाइस। अर्जुन का बैग ला देते, अर्जुन को होमवर्क करना है। और जो मैंने ट्राइपॉड मंगाया था वो ये है, और ये 300 का है, और ये मैंने फ्लिपकार्ट से बाय किया है, अच्छा है, ग्रिप अच्छी है इसकी, टाइट है यहाँ पर, जैसे कि ऑलमोस्ट अगर आप सस्ती क्वालिटी के लिए तो 300, 400, 200 में तो आपको ये अच्छी क्वालिटी का नहीं मिलता, बट ये एक मिनट रुक जाइए, क्वालिटी वाइज अच्छा है। जैसे मैं आपको उसको ओपन करके दिखाती हूँ, इस तरीके से कुछ इस तरीके से है, और ये पोर्टेबल वाला नहीं होता जो वो है, चलो मैं रख के दिखा देती हूँ आप लोगों को। अरे भाई ये ऐसे बंद होके आया था, मैंने अभी दिखा दिया, बंद होके आया कुछ इस तरीके से ये दिख रहा है, इसको आप ऐसे ओपन कर सकते हो। और सबको ही पता होगा यार जो भी ब्लॉगिंग करता होगा,
इस तरीके से ओपन हो जाएगा, आप दोनों तरीके से लगा सकते हो इसको, ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, कैसे भी करके लगा सकते हो, और इसको सेल्फी स्टिक भी बना सकते हो। ज़्यादा बड़ी नहीं है बट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी, और इसमें एक रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जो आप इसको कैमरा ऑन ऑफ कर सकते हो। इसमें सेल पड़ा हुआ मिलेगा ऑलरेडी से, देन इसके बाद इसको बंद कर देते हैं, बंद कर देती हूँ, और इसके साथ ही ये इस तरीके से ओपन नहीं हो जाता, ये ऐसे करके इसको रख लो, छोटा सा ब्लॉगिंग वाला कैमरा इस तरीके से ये है। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, जैसे मुझे कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स लेने होते हैं जैसे कि पैरों के नीचे, और जैसे कि चलने वाला वॉकिंग वाले जो भी लेने होते थे, तो उसके लिए मेरे पास नहीं था क्योंकि मेरे पास जो भी ट्राइपॉड थे उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा थी, कम करते करते भी वो मेरे यहाँ तक ही आते थे, तो मैं इससे अच्छे से शॉर्ट नहीं ले पाती थी। फिलहाल इससे भी मुझे नहीं लगता ले पाऊँगी, क्योंकि ये भी एक कला है और हर किसी में ये कला नहीं होती है, मुझ में तो सिर्फ बातें बनाने वाली कला है। तो फिलहाल अर्जुन को वर्क कराती हूँ, अर्जुन को पढ़ा देती हूँ, और इसके बाद फिर टॉनिक बनाने साथ में रख दूँगी बालों के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, तो वो साथ में भी लगा लूँ, तो दो काम एक साथ करूँगी। तो चलो टॉनिक की रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। छीलूँ तभी छिल पाएंगे, क्योंकि वेस्ट करना मैंने कभी सीखा नहीं। मेरी मम्मा हमेशा कहती थी कोई चीज़ वेस्ट नहीं करनी, खाने के एटलीस्ट तो कभी नहीं, हाँ बाकी तो भी चल जाता है, पर खाने के खाने में कुछ भी वेस्ट नहीं करना। आप उतना खाओ, अगर आपको नहीं खाया जाता तो किसी को दे दो, पर वेस्ट मत करो। तो बस, तो उनको छील छील के भून भून के खाओगी, क्योंकि मैंने ऐसे चूरा बनाया था। जो हेयर कटा के आ गए तो जो नीचे बैठ के, क्या हुआ बेबी, हेयर कट तो करने वाली? स्मार्ट लग रहा मुंडा मेरा, अंकल को बोला था अंकल छोटे नहीं करना चाहता, हाँ अच्छे लग रहे। इधर दिखाओ फेस, इधर दिखाओ तू, वाह जी स्मार्ट लग रहा है, अच्छे लग रहा है। यहाँ पे कुछ काम, रेगुलर काम, और इसके बाद हम बनाने जा रहे हैं सीरम। इसके लिए हमें लिया चावल और मेथी, इसको अच्छे से आपको धुल लेना, देने इसके बाद आपको डालना है फ्राई पैन में, और उसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप इसमें 3 से 4 कटोरी पानी डाल दीजिए। मैंने 3 कटोरी डाला है। इसके बाद इसको धीमी आंच पे बॉईल कर लेना है, और मेरे पास करी लिप्स ताजे नहीं थे तो मैंने यहाँ पे डाले ड्राई वाले, आपके पास अगर ताजे तो आप ताजे डाल दीजिए, लेकिन फ्रेंड फ्रेस दोनों से ही मिल जाएंगे आपको, जो भी हो आपके पास आप वो डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे डाल दी। देन इसको धीमी आंच पे ही आपको पकाना है, तेज आंच बिल्कुल भी नहीं करनी, धीरे धीरे पक रहे, 20 मिनट में ये रेडी। मम्मी वाले कमरे में जो है ना वो नीचे ड्रॉअर, जो मैं आ रही हूँ, तो
टोनर बने रख दिया, सब्जी छोक दी और अज्जू की स्टडी टेबल को सही करना है दोबारा से, तो उसको करने जा रही हूँ। इसी के कोने में पड़ा है, इसी में पड़ा है। नाल धोनू ये, अरे ये नहीं है, लोटा मैं निकाल के तो हमारा ये टोनर रेडी हो गया। धीमिया से पटक पटक थोड़ा सा ही पानी रह गया, आधा कप से भी कम रह गया ये। इसको अब ठंडा होने के बाद मैं छान लेती हूँ किसी ग्लास में। उस पर नहीं रखो, अभी आओ, वर्क हो गया पूरा कंप्लीट। चलो अपने बैग में रखिए इसको, उठा के बेटा चलिए रखिए, बुक्स अपनी संभाल के रखो बेटा प्लीज़। अच्छा ये मैंने दो कटोरी पानी डाला था, इसमें एक ही कटोरी से भी कम रह गया, बहुत थोड़ा ही पानी रह गया। ये रेडी हो गया, जब तक ठंडा होगा तब तक मैं अर्जुन को खाना खिला देती हूँ। अर्जुन खाएंगे खाना। अर्जुन ने देखो अपना सामान फैला रखा है, आपने कहा तभी ने जस्ट साफ किया। एंड अर्जुन हमारे यहाँ बहुत एक्सपर्ट हैं काम करने में। अर्जुन का घर दिखाती हूँ, अर्जुन जो खेलते हैं खेल, ये देखो अर्जुन के खेल जिसमें मैंने मूंगफलियाँ भर के रखी और ये सब चेयर घर की सारी, ये अर्जुन के खेल होते हैं। क्या ये कौन सा मेन गेट? ये है गेट, ये भी है जो से। कितने मेन गेट होते हैं घर में? तो एक ही मेन गेट होता है। तीन हैं मेरे में। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? खाना खिलाने कौन से गेट से आओ? दिया है अर्जुन सो गया और थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। अर्जुन सो जाता है, लगता है अब मैं सारे काम फटाफट निपटा देती हूँ। तो चलो मैं आपको एक बात बताती हूँ, मेरे पास ये वो है टोनर है, ये क्या है सॉल्यूशन है हेयरलाइन रीग्रोथ वाला, एक ये है और एक और कहीं है, तीन चार है मेरे पास जैसे। तो आवाज़ आ रही होगी आपको, इसमें है वो है सिरम है इसका। और हमको एक्चुअली क्या होता है, जो डॉक्टर्स लोग होते हैं उनको एक जो फार्मा कंपनियां होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, जो नया लॉन्च करती हैं कि आप इसका रिव्यू करिए, आप यूज़ करिए या फिर आप अपने पेशेंट को दीजिए, अगर उसका रिलीफ होता है तो मतलब जिस जो भी मतलब प्रोसेस होता तो वो गिफ्ट्स मिलते हैं हमको बहुत सारे, लेकिन हम लोग कभी भी यूज़ नहीं करते। स्पेशली नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं केमिकल से दूर रहना चाहती हूँ, दवाइयों से भी मैं दूर रहना चाहती हूँ। सोचती हूँ हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, मतलब एक्सरसाइज करो, खाना अच्छा खाओ, तो आपको मतलब ऑटोमेटिकली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अच्छा खाओगे नहीं, अच्छा रूटीन नहीं रखोगे तो प्रॉब्लम होगी। और देखने में बहुत ही अच्छी बॉटल्स होते हैं, ये देखो इसको पूरा कवर करने के लिए इस तरह से ढक्कन लगा होता है, स्प्रे के लिए बॉटल नोजल दिया होता है। तो चलो मैं इसको फैला देती हूँ क्योंकि मुझे ये काम आएगा मेरे होममेड सीरम लगाने के लिए। तो मैं खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें मतलब, तो मैं इसको यूज़ करूँगी अपने होममेड के लिए। इसको मैं हटा देती हूँ वरना, क्योंकि मेरा स्प्रे बॉटल ख़राब हो गया, तो मैं इसको यूज़ कर लेती हूँ। ये 300 कॉस्ट है, आपको दिख रहा होगा ये 300 कहाँ गया, ये देखो 300 लिखा है और ये 300 गए नाली के अंदर। अब इसको मैं नॉर्मल पानी से भर लूँगी, पानी भर के के लिए जिन लोगों को बिलीव नहीं होता होगा कि मैं सिर्फ होममेड यूज़ करती, मतलब नेचुरल चीज़ें यूज़ करती, मतलब आयुर्वेदिक चीज़ें यूज़ करती, उन लोगों के लिए ये ट्रायल था। तो मेरी बॉटल खाली होगी, अब मैं इसमें होममेड वाला अपना भरूँगी क्योंकि लाइट ऑफ है एक्चुअली कि ना, अर्जुन सो रहा है, डालूँगी। कलर सेम है, देखो कलर सेम है ना, और रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं क्योंकि हम जो होममेड यूज़ करते हैं ना उसके बेनिफिट्स बहुत हैं और इसके लॉस कम है। तो आप वही चीज़ यूज़ करिए जिसके बेनिफिट्स हों और लॉस कम हो। इसको अंदर पोर कर लेते हैं, बस इजी हो जाता है इसके साथ लगाना। और मैं इसको लगा लूँगी, कह दो ना हमें आज तो दे दो ना, एक बात तो छेड़ो ना, जिस बात में खो लेना तो मेरी हेर।
मेरा गुआरा दिल मेरा गुआरा दिल मेरा गुआरा दिल मेरा ओ दिल मेरा गुआरा दिल मेरा गुआरा दिल मेरा। उबला हुआ जो बचा था तो मैंने उसको उठा कर दे करी लीव्स से मेथी लीव मेथी दाना है और जी राइस है, इसको मैं बंद करके फ्रिज में रख दूँगी और संडे को लगाऊंगी तो इससे दो चीज़ें हो जाएंगी। यानी आज लगाया अल्टरनेट डे पर संडे नेक्स्ट डे नहीं लगाऊंगी, अब मैं आज फ्राइडे तो मैं संडे को इसको लगा लूँ तो मैं इसको फ्रिज में बंद करके रख दूँ फिर इसका पेस्ट बना के लगाऊंगी। इसी से रिलेटेड मैं आपसे अभी बात शेयर करती हूँ कि क्या था कि अभी तो मेरे पास कुछ इतना खास कमेंट नहीं आता है। जब मैंने स्टार्टिंग में चैनल में स्टार्ट किया था तो मैं बहुत कॉन्टीन्यूसली भी टाइम पर ही डालती, शेड्यूल था मेरा हर चीज़ का। तो मैंने इस तरह की एक और रेसिपी बताई थी हर टॉनिक से लेट कोई पैक बताया था तो उसमें मेरे पास एक कमेंट आया था बच्चे का, यंगेस्ट लड़की थी तो मुझसे कह रही थी कि दीदी मेरे तो मम्मी मुझे राइस लेने नहीं देती, बोले तुम राइस वेस्ट करती हो। अरे भाई एक चम्मच राइस में क्या वेस्ट हो जाएगा, जितना राइस हम इस किसी फेस पैक या किसी रेमेडी के लिए ट्राई करते हैं उससे ज़्यादा खाना जब आप लोग खाते हैं तो उसमें प्लेट में रह जाता है। तो आप लोग मतलब इस तरीके से बातें मत करो, अच्छी अच्छी बातें करो और अच्छी चीज़ों को यूज़ करो। तो फिलहाल मैंने सोचा पैक रेडी हो गया, देखिए इस तरीके से बनाना और हनी के साथ थोड़ा सा राइस फ्लावर मैंने इसलिए डाला कि थोड़ी सी जो डेड सेल्स होती है ब्लैक सेल्स होती है थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं और फिर इनको क्लीन करते तो स्किन बहुत सॉफ्ट दिखती है। थोड़ा सा राइस फ्लावर डाला है तो ये स्क्रब जैसा भी होता है और हार्ड नहीं होता बिल्कुल भी, तो ये अच्छा होता है, आप इसे रोज़ भी कर सकते हैं। इस तरीके से पेस्ट रेडी हो गया है और इसको मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगा। 15 मिनट तक ऐसे आपको कॉन्टीन्यूसली मसाज करनी अपर आरिस्तन में और इसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा औसम मिलेगा। ठंडे पानी से अपने फेस को धो सकते हैं और इसके बाद आप बर्फ़ से अपने फेस को थोड़ा सा डैप डैप करके अगर आप थोड़ा सा मसाज ले जाए तो ले सकते हैं या फिर ठंडे पानी से अपना फेस धो लीजिए, जो बर्फ़ का होता है और बस आपके पोर सिंक हो जाएंगे तो आपकी स्किन टाइट लगेगी। और ये रेमेडी का मैं बताती हूँ शायद बहुत पुरानी है, मेरी दीदी की शादी के टाइम की, तो वो बहुत मम्मी मेरी की मैगजीन पढ़ती थी। एक्चुअली वो थी वनिता करके, वनिता थी सखी कौन सी सहेली करके आती थी, बहुत सारी मैगजीन आती थी उनमें अक्सर कर होम रेमेडियाँ निकलती थी और हम लोग उसको ट्राई करते थे। मेरी दीदी की शादी के टाइम बहुत यूज़ किया इस रेमेडी को और देन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे होते थे, स्किन एकदम ग्लोइंग करती थी, बहुत अच्छा लगता था। तो इस बार तो मैं काफ़ी टाइम बाद उसको यूज़ करी, सडनली मुझे याद आ गया तो मैंने सोचा क्यों नहीं इसको ट्राई करती हूँ तो आपके साथ शेयर भी कर देती हूँ। तो बहुत ही अमेजिंग है और केले वाला फेशियल तो मेरी एक फ्रेंड ने बोला था, फ्रेंड कम ननद कम मतलब कुछ भी मान लो, वो मुझे भाभी बुलाती है, ऐसे तो मेरी फ्रेंड ही है स्वर्णिम थी, उसने एक बार अपनी शादी के टाइम में उसके फेशियल बताया था केले वाला, देन उसको बहुत प्रॉफिट हुआ था, देन उसने बोला था मुझे कि भाभी बहुत अच्छे से बहुत अमेजिंग रिजल्ट आता, आप लोग ट्राई जरूर कर दिए प्लीज़, एक बार मेरे कहने से ट्राई कर लीजिएगा, सच में बहुत अच्छा रिजल्ट आता है और आपको स्किन टाइट लगने लगती है, सच में टाइट लगती है। मेरे चेहरे के ग्लो और मुझे वीडियो शूट करना था शॉर्ट के लिए क्योंकि कई बार हम लोग इस लॉन्ग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो मैंने शॉर्ट में डाल दिया, जो कि कुछ लोग लॉन्ग वीडियो को क्लिक करके देखते भी नहीं है और शॉर्ट को ज़्यादा लोग वायरल देख लिए, तो मैंने शॉर्ट वीडियो में ये रेमेडी डाल दी है। तो फिलहाल आप देख सकते हैं मेरे फेस का ग्लो, पास से देखो यार बिना फिल्टर के मेरा फेस है, देखो मेरे मुझे भी दिख रही, मैं करती नहीं हूँ क्या बोलते अपर लिप नहीं करती स्किन, लेकिन देखिए मेरे कोई दाग धब्बा आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ नेचुरल चीज़ों पे। और कहते हैं ना कि मतलब नेचुरल नेचर ने हमें वो चीज़ दी है जो कि मतलब हम सिर्फ देखना नहीं चाहते हैं, नेचर के पास क्या क्या नहीं, हमारे खाने से लेके अपने ब्यूटी से लेके हर चीज़ नेचर के पास है, रहन सहन इन्वायरमेंट सबको मतलब एक नेचर ही बनाता है, लेकिन आजकल लोग उस चीज़ को समझते नहीं, लोग केमिकल की तरफ दौड़ रहे हैं। मैं इसलिए नहीं कह रही कि मतलब किसी ब्यूटी प्रोडक्ट की बात करी, मैं हर चीज़ की बात करी, लोग प्रिजर्वेटिव खाना खा, लोग बोला फूड खा रहे हैं कि नहीं, वो क्या बोलते उसको फ्रोजन फूड खा रहे, क्यों खा रहे फ्रोजन फूड, भाई बना के खाओ खाना, अगर आप लोग खाना भी नहीं बना सकते तो आप लोग क्या कर सकते हैं,
अब अगर इंसान अपने लिए दो रोटियां नहीं सेक सकते हैं तो कुछ खाना नहीं खा सकते तो वो क्या कर सकता है। आप कितनी भी बिजी लाइफ, लेकिन अपने लिए खाना बनाने के लिए तो आपके पास टाइम होगा। आप फ्रोजन फूड खा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही बेकार होता है। क्या होता है कि हाफ बनाया गया, उसको फ्राई किया या बॉयल किया गया, फ्रीजर में डाल दिया गया, महीनों रखा रहता है वो, आप वही खा रहे हैं। तो हर चीज़ में लोग बहुत शॉर्टकट देखते हैं या फिर वो करते हैं, और क्या बोलते हैं ना उसको, ये बाल कितने कर्ली हो गए हैं यार। तो आप लोग मतलब कोशिश करिए कि आप नेचुरल चीज़ों की तरफ रहें और अच्छा खाएं, ताज़ा खाना खाएं और फ्रूट्स खाएं और पेड़ पौधे भी ज़रूर लगाएं। और मैंने शॉर्ट वीडियो की वजह से अपने बालों को ओपन किया था, जूड़ा बना लूँगी, जूड़ा बना के सूँगी। और जैसे कि मैंने अपने बालों में ये लगाया यार, ये तो बहुत बड़ा वो भी हो गया यार, इसका हैक हो गया कि आप इस तरीके टोनर ये वाला बना के लगा लो, उसके बाद अपने बालों को कर्ल करोगे तो बहुत अच्छे से कर्ल हो जाएगी, टाइट टाइट हो रहे हैं। तो आप इसको भी कर सकते, क्योंकि इसमें राइस पड़ा, स्टार्च है। तो चलो, एक छोटा सा ब्लॉग था, कुछ छोटी सी छोटी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए थी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हैं, अपनी फैमिली में शेयर कर सकते हैं और बाकी लोगों को शेयर कर सकते हैं अगर आपको पसंद आता है। और नहीं भी पसंद आता प्लीज़ तो आप वो सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, जाने से पहले सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा और लाइक का बटन दबाइएगा और प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिए। जब तक आप लोग कमेंट करना नहीं सीखेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं सीखेंगे, तब तक मैं कॉन्टिन्यूसली हर वीडियो में कहूँगी, भले ही आप लोग इरीटेट हो जाएं। तो चलो, इस ब्लॉग को भी यहाँ ख़त्म कर लेते हैं और किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगी जो कि प्रोडक्टिव होगा, अच्छा होगा। तब तक के लिए आप लोगों को राम राम, राधे राधे। किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, लिए बाय। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। बाय।